हे गाइस, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। आज हम इसी चीज को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलता हूं और एक कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोलता हूं। मैं यहां पे सबसे पहले यहां पर एक लेंस को ला लिया, लाइट बंद करके इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो अभी मैं लाइट को बंद करके आ गया हूं। दो लेजर लाइट है, एक ये और एक ये, जिनका रास्ता आप बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। यहां पर पैरेलल लाइट्स को लिया और इस लेंस में से पार कराया। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि दो पैरेलल बीम एक दूसरे से दूर जा रही हैं इसमें से निकलने के बाद। चलिए लेंस को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। ये मैं पैडल बीम ऑफ लाइट इसमें से क्रॉस करा रहा हूँ और ये बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के दोनों बीम ऑफ लाइट एक दूसरे के नजदीक आ रही है। लाइट फैलेगी उस पर्टिकुलर लेंस को आप नाम दोगे डाइवर्जिंग और जो लाइट को इकट्ठा कर रहा होगा उसको आप नाम दोगे कन्वर्जिंग। है बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट, घर में ट्राई करके देखिएगा। हाँ, एक और बात, यहाँ पर मैंने जो धुआं 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 जो किया है उसके पीछे का कारण क्या है कि मैं लाइट का रास्ता आपको बहुत अच्छे से दिखा सकूं, जिसको मैं नाम दे रहा होता हूँ टिंडल इफेक्ट।